जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही सियासी पार्टियों के खेमे में हलचल बढ़ती जा रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी चौसर में अपनी जीत के लिए नए नए तरीकों से अपने अपने पासे मैदान में फेंक रही हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इस समय कोई भी पार्टी चुनाव जीतने के लिए रत्ती भर भी कोर कसर नहीं छोड़ रही, फिर चाहे वो वामपंथी दल हो, कांग्रेस हो या फिर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा हो। तमाम राज्य में कमल खिलाने के लिए मोदी ने तूफानी रैली तमाम राज्यों में की है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राज्य को 12,800 करोड़ की सौगात दी और फिर चुन चुनकर विरोधियों पर शब्द बाणों की बरसात भी कर डाली। पीएम मोदी ने परिवारवाद के बहाने विपक्ष पर प्रचंड शाब्दिक प्रहार किया। दरअसल पटना के गांधी मैदान में आयोजित हुई इंडिया गठबंधन की रैली में लालू यादव ने परिवार के नाम पर पीएम मोदी को चक्रव्यूह में खड़ा किया था और कहा था कि पीएम मोदी कहते हैं कि लोग परिवार के लिए लड़ रहे हैं, आपके पास परिवार नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो के इस बयान के बाद बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर खुद को मोदी का परिवार घोषित कर दिया। वहीं नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में आने के बाद सवाल उठने लगा है कि उनके आने के बाद क्या एनडीए बिहार में 2019 वाली जीत रिपीट करेगा या फिर इंडिया अलायंस बिहार में खेला करेगा। बिहार में कौन खेला करेगा और कौन नहीं, इस पर देश की फेमस सर्वे कंपनी सी वोटर का एक सर्वे है। सी वोटर के इस सर्वे के मुताबिक 40 सीटों वाले बिहार में एनडीए 32 सीटों पर जीत सकता है, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। वहीं अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बिहार में 50% वोट मिल सकता है, जबकि 35% वोट इंडिया अलायंस के खाते में जा सकता है। वहीं 15% वोट अन्य को मिलने की संभावना है। पिछले चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और 5 सीटें एलजेपी को मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई थी और लालू की आरजेडी का खाता तक नहीं खुल पाया था और वो शून्य पर ही सिमट गई थी। 2019 के चुनाव में बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू थी, साथ में चिराग पासवान की एलजेपी थी, मगर इस बार एनडीए ने अपने कुनबे का विस्तार किया। बावजूद इसके ओपिनियन पोल में एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। माना जा रहा है कि इस बार बिहार में बीजेपी और जेडीयू 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं और चिराग पासवान की पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी को 1-1 सीट मिलने की उम्मीद है। देखिए, जब से सी वोटर का बिहार में हुआ यह सर्वे सामने आया है, तभी से इंडी गठबंधन में उदासी का माहौल छा गया है। वहीं बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है, क्योंकि पीएम मोदी अब की बार हर चुनावी रैली से अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं और अगर ये सर्वे सही साबित होता है तो मोदी बिहार में अपनी पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने में कामयाब होंगे। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम खबरों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्य न्यूज़ को।